जाहिर सी बात है, आज हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारी आवाम जो है इतनी बेबस हो चुकी है कि वो अपनी अकेले आवाज़ उठाने में बहुत डर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर 10, 15, 20 लोग इकट्ठा होकर अपने मसाइल हल करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि कराची के लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने मसाइल के हल के लिए खुद साथ बैठें और उसका हल तलाश करें, हम ही लोग हल तलाश करें, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, मुश्किलात का सामना हमें, बाहर वालों को नहीं है। तो हमारा सिर्फ यही मैसेज मैं डिलीवर करना चाहूँगी कि हमें ऐसे गेट टुगेदर करते रहना चाहिए, चाहे वो हलीम की शक्ल में हो, चाहे वो 12 रबीउल का कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई प्रोग्राम हो, ये हमारे मजहबी प्रोग्राम है। अगर हम अच्छे तरीके से इनको प्रमोट करेंगे और अच्छे तरीके से लोगों को बिठा के उनकी राय सुनेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी काफ़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। क्या ख्याल है सर? लाजमी है देखें, महाजिर को जो रखा है ये सिलसिले में रखा था, माशाल्लाह हमारे पास जो ना पढ़े लिखे लोग खुद आ रहे हैं इस चीज़ को, बल्कि हम लोग को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और खुद बढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं हर चीज़ में। और ज़ाहिर है कराची के जहाँ तक मसाइल का हल है वो हम लोग मिल के करेंगे, अपना सॉल्व कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ इसके अलावा जो ना ये हल नहीं है कि अलग अलग आप बैठ के और जो ना इसको बैठ के कह रहे हैं उसको, नहीं, हमें सर जोड़ के इसका हल निकालना है। क्योंकि आप शाह फैसल का हाल देख लें, आप मलीर आखिरी सांस ले रहा है, बिल्कुल यकीन जाने कोई हमारा पुरसान हाल नहीं। आप किसी शोबे में जाइए, नोबडी टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी विल लिसन योर कंप्लेन, कोई नहीं पूछता। स्कूलों का हालत ज़्यादा ख़त्म है, टीचरों के वैसे है, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हर जगह गंदगी का ढेर है। यानी कराची एक मसाइल का अमाजगा बन चुका है, जनरेशन ख़त्म हो चुकी है महाजिर कौम, पूरे मसाइलों की अमाजगा बन गई है। आपको देख रहे हैं हमारे कराची का क्या हाल हो रहा है, हमारा कल्चर जो है वो तबाह कर दिया गया है। महाजिर महाजिर मतलब महाजिर कोई हैसियत नहीं रखते हमारे यहाँ कराची में, अक्सरियत जो है महाजिर की है। और आप और तमाम जमाना बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमारा कल्चर जो है तबाह किया गया है। हमारे बच्चों के लिए तालीम नहीं है, कोई अच्छे मौके नहीं है, माशी हालात हमारे ख़राब हो गए हैं। लेकिन तालीमी मैार जो है हमारा वो गिर चुका है, कोई भी किसी तरह से हम देखते हैं निगाह डालते हैं तो सबसे ज़्यादा बदहाली किसी पहले हल कहाँ पे हो। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को करना पड़ेगा। हमसे लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, इंशाल्लाह आफाक भाई की क़यादत में, आफाक भाई की रहबरी में दावत हलीम के हवाले से मैं ये बात करता चलूँ कि ये एक हमारा एक प्रोग्राम जो है आफाक भाई की रहबरी में और आफाक भाई की के कहने पर उनकी, तो वो हमने यहाँ अरेंज किया और उस हवाले से जो है ये प्रोग्राम, हम तो खैर क्या कहेंगे, लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि वो कैसा प्रोग्राम था, कैसा अरेंजमेंट था और क्या माहौल था, तो ये सबके सामने है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे जो मकासद हैं वो मकासद हमारे जो हैं वो ये हैं कि महाजिर आवाम के जो मसाइल हैं वो किसी तरीके से हल होने चाहिए, और अगर ये मसाइल जूं के तूं रहते हैं तो फिर हमारा मकसद बहुत हो जाता है, हमारी तहरीक का मकसद बहुत होता है। आफाक भाई हमेशा इस बात को कहते चले आएँ कि हमने कहा तो वो हालात होंगे, वो काम होगा, दुनिया देखेगी और दुनिया ये कहेगी कि हम पहले मौका देते कि ये हम हमारे मसाइल को हल करते। ये मेरा कहना था, ये मेरी गुजारिश थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जो मकसद लेकर चले हैं उस मकसद को इंशाल्लाह आफाक भाई की कयादत में हल करके रहेंगे।